हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। असेसमेंट ईयर 2021 के लिए आईटीआर 1 फॉर्म साइट पर फाइलिंग के लिए अवेलेबल है। आप इसे फाइल कर सकते हैं। फॉर्म दो तरह से अवेलेबल है। आप एक्सेल में डाउनलोड करके भी फाइल कर सकते हैं और ऑनलाइन यूटिलिटी भी है, आप ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि आईटीआर 1 फॉर्म कैसे फाइल करना है, इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और इस बार के आईटीआर 1 फॉर्म में काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए गए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और बीच में स्किप मत करिएगा, क्योंकि हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे कि आईटीआर 1 में कहाँ कहाँ पर चेंजेस किए गए हैं जो पिछले साल के फॉर्म्स में नहीं थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि किस तरह से आपको इनकम टैक्स की साइट पर पहुंचना है। तो हमने गूगल ओपन कर लिया है। गूगल पर आप टाइप करेंगे इनकम टैक्स इंडिया efiling.com। पहला ही ऑप्शन यहां पर आ गया है, इनकम टैक्स इंडिया efiling। इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं तो आपके पास साइट आ जाती है, efiling होम पेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इस वाली साइट पर क्लिक करेंगे, अब आपके पास इस तरह का पेज आ गया है। यहाँ पर आपको एक जो लास्ट ईयर बहुत से लोगों ने गलती की थी कि उन्होंने अपने बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेट नहीं किया था, जिसकी वजह से उनका इनकम टैक्स रिफंड आने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो अब इस बार इन्होंने यहाँ पर एक मैसेज फ्लैश कर दिया है कि आप जिस भी अकाउंट में अपना रिफंड चाहते हैं उस अकाउंट को प्री वैलिडेट ज़रूर कर लीजिएगा। इसका वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, हमने लास्ट ईयर भी अपलोड किया था। इस बार इन्होंने यहाँ पर स्टेप्स भी बताए हुए हैं कि किस तरह से आप अपने बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेट कर सकते हैं। अगर स्टेप्स से आपको समझ में नहीं आता है तो इस बार यहाँ पर एक वीडियो भी अपलोड किया गया है, वॉच दिस वीडियो फॉर मोर डिटेल्स, जहाँ पर आपको प्री वैलिडेशन कैसे करना है अपने बैंक अकाउंट का वो पता चल जाएगा। अपने आईटीआर को फाइल करने से पहले अपने बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेट करना मत भूलिएगा। वैसे तो आप लोगों ने लास्ट ईयर के रिटर्न्स में अपने अकाउंट को प्री वैलिडेट किया ही होगा, लेकिन इस साल आपको फिर से प्री वैलिडेट करना होगा उस सिचुएशन में जबकि आप किसी दूसरे बैंक की डिटेल देते हैं, किसी दूसरे बैंक में आपको रिफंड चाहिए, उस अकाउंट में नहीं चाहिए जो आपने लास्ट ईयर प्री वैलिडेट किया था। तो अगर आप अपने आईटीआर में किसी दूसरे बैंक अकाउंट की डिटेल्स दे रहे हैं और आप किसी दूसरे बैंक अकाउंट में रिफंड चाहते हैं तो आपको उस अकाउंट को प्री वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी फिलहाल सिर्फ आईटीआर 1 को ही लाइव किया गया है, जिसके लिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भी फ्लैश हो रही है कि आईटीआर 1 इज़ अवेलेबल फॉर efiling। और यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, अगर आप ऑनलाइन फाइल करना चाहते हैं तो आपको लॉगिन पर क्लिक करना होगा, और अगर आप एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करके करना चाहते हैं तब आपको यहाँ पर आईटी रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर पर क्लिक करना होगा। अगर हम इसे क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि अब यहाँ पर असेसमेंट ईयर 2021 फ्लैश हो रहा है और यहाँ पर हमें ऑप्शन सिर्फ आईटीआर 1 का ही दिया गया है। दो तरह से फाइलिंग कर सकते हैं, एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं या फिर जावा यूटिलिटी से भी डाउनलोड करके कर सकते हैं, लेकिन आईटीआर 1 के लिए आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ऑनलाइन यूटिलिटी से करें। ऑनलाइन यूटिलिटी बहुत ही सिंपल है और आईटीआर 1 में ऐसा कुछ भी क्रिटिकल नहीं है कि आपको उसके लिए एक्सेल डाउनलोड करना पड़े। अगर आप आईटीआर 2 या 3 करना चाहते हैं तो उसके लिए एक्सेल यूटिलिटी या जावा यूटिलिटी ज़्यादा बेटर रहती है। आईटीआर 1 और आईटीआर 4 बहुत ही सिंपल फॉर्म्स हैं, तो बेटर रहेगा कि आप ऑनलाइन के थ्रू ही करें। तो चलिए ऑनलाइन पर चलते हैं। ऑनलाइन यूटिलिटी के लिए अब हमें यहाँ पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन के लिए आपको अपना पैन नंबर और पासवर्ड पता होना चाहिए, तो हम अपना पैन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर रेड कलर में लिखा हुआ है फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, हमको यहाँ पर क्लिक करना है। अब आपका पैन नंबर डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पर असेसमेंट ये चूज करेंगे 2021, आईटीआर फॉर्म आईटीआर 1 ही यहाँ पर अभी फ्लैश हो रहा है। फाइलिंग टाइप में ओरिजिनल या रिवाइज्ड, और सबमिशन मोड में आप ऑनलाइन से कर रहे हैं तो सबमिट एंड प्रिपेयर ऑनलाइन, और अगर आप एक्सेल यूटिलिटी से कर रहे हैं तब आपको अपनी एक्सेल शीट बनाकर यहाँ पर एक्सएमएल को अपलोड करना होगा, तब आप दूसरा वाला ऑप्शन चूज करेंगे, लेकिन अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे। इसके बाद आपको जिस भी अकाउंट में अपना रिफंड चाहिए वो अकाउंट आपका प्री वैलिडेट है या नहीं है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फ्लैश हो जाती है। आपको जिस भी अकाउंट में अपना रिफंड चाहिए उस वाले अकाउंट पर आप टिक लगा लीजिए और कंटिन्यू कर दीजिए। यहाँ चेकबॉक्स पर टिक लगाएंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अभी हमारे पास आईटीआर फॉर्म आ गया है। इसमें सबसे पहले है जनरल इन्फॉर्मेशन, जिसमें अब काफ़ी चेंज किया गया है। जनरल इन्फॉर्मेशन का जो पार्ट ए था, ऊपर का पार्ट, वो बिल्कुल सेम है, जिसमें आपको अपना नेम, एड्रेस और पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह देना है, वो सब
वो सब पिछले साल की तरह ही सेम है। चेंज हुआ है नीचे के पार्ट में, जहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखा है उसके नीचे यहाँ पर पूरे फॉर्म में चेंज हुआ है। आइए देखते हैं कि क्या चेंज किया गया है। यहाँ पर आपसे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है, आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजन टू सेक्शन 139(1), बट अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम। मतलब क्या आप ये रिटर्न 7th प्रोविजन टू सेक्शन 139(1) के अंदर फाइल कर रहे हैं, क्या ये प्रोविजो आप पर एप्लीकेबल होता है? और इस 7th प्रोविजो का क्या मतलब है? तो 7th प्रोविजो में क्या कहा गया है उसको जानने के लिए आपको जो ये नीचे तीन लाइन्स दी गई हैं, इन तीनों लाइन्स को पढ़ लेना है। अगर आप इन तीनों लाइन्स में से किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो मतलब कि आप अंडर 7th प्रोविजो ऑफ सेक्शन 139(1) ये रिटर्न फाइल कर रहे हैं। हैव यू डिपॉजिटेड अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़ इन 1 or more करंट अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। क्या आपने अपने किसी भी करंट अकाउंट में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1 करोड़ या उससे ज़्यादा की रकम जमा की है? इसके आगे यहाँ पर टिक बॉक्स है लेकिन ये हाईलाइट नहीं हो रहा है। ये हाईलाइट कब होगा? जबकि आप इस ऊपर वाले बॉक्स में येस या नो सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पर येस सेलेक्ट करते हैं तो ये सारे कॉलम्स यहाँ पर हाईलाइट हो गए हैं, और अगर हम यहाँ पर नो सेलेक्ट करते हैं तब ये कॉलम्स यहाँ पर हाईलाइट नहीं होंगे। मतलब कि आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद दूसरी कंडीशन है, क्या आपने ड्यूरिंग द ईयर किसी भी फॉरेन ट्रैवल पर 2 लाख रुपए से ज़्यादा का खर्चा किया है, भले ही आपने अपने लिए किया हो या आपने किसी और व्यक्ति के लिए किया हो। यहाँ पर भी आपको येस या नो सेलेक्ट करना है। इसके बाद तीसरी कंडीशन है, हैव यू इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख ऑन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर लास्ट फाइनेंशियल ईयर 1 लाख या उससे ज़्यादा की रकम अपने बिजली के बिल पर खर्च की है। तो ये तीन कंडीशंस हैं जो कि 7th प्रोविजन सेक्शन 139 में बताई गई हैं। अगर आप इन तीनों कंडीशंस में से किसी भी एक कंडीशन के लिए येस सेलेक्ट करना चाहते हैं तब आपको यहाँ पर ऊपर वाले बॉक्स में येस सेलेक्ट करना होगा। और अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन आपके केस में एप्लीकेबल नहीं हो रही है, आपने इतने रुपयों का खर्चा नहीं किया है इन तीनों ही कंडीशंस में, तब आपको ऊपर वाले बॉक्स में यहाँ पर नो सेलेक्ट करना होगा और ये कोई भी हाईलाइट नहीं होंगे क्योंकि आप इन तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे ये सारे बॉक्सेस हाईलाइट हो जाएंगे, और इन तीनों में से आप जिस भी कंडीशन में यस सेलेक्ट करना चाहते हैं उस वाले को आप सेलेक्ट करके उसमें यस सेलेक्ट करके और अमाउंट फिलअप कर सकते हैं, और जिस भी कंडीशन में आप नो सेलेक्ट करेंगे तो अमाउंट वाला कॉलम यहाँ पर हाईलाइट नहीं होगा। जब यस सेलेक्ट करेंगे तभी अमाउंट वाला कॉलम यहाँ पर हाईलाइट होगा और उसमें आप कोई भी फिगर एंटर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था जो चेंज हुआ है जनरल इन्फॉर्मेशन में। इसके बाद नीचे का फॉर्म सेम है। जनरल इन्फॉर्मेशन के बाद आगे चलते हैं आईटीआर फॉर्म पर और देखते हैं कि अमाउंट्स किस तरह से फिलअप करने हैं। वहाँ पर भी थोड़ा चेंज हुआ है इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स पर। यहाँ पर जो फॉर्मेट दिया गया है वो सेम आपके फॉर्म 16 की तरह ही होता है, तो आप डायरेक्ट अपने फॉर्म 16 से फिगर्स उठाकर यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) है, वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स एज पर सेक्शन 17(2) है, प्रॉफिट्स इन लियो ऑफ सैलरी एज पर सेक्शन 17(3) है। ये सारे कॉलम्स आपको अपने फॉर्म 16 से मिल जाते हैं। हमारे चैनल पर आपको कुछ दिनों में ITR 1 की लाइव फाइलिंग भी मिल जाएगी जिसमें हम आपको डायरेक्ट फॉर्म 16 से ITR 1 फॉर्म को कैसे फिलअप करते हैं वो भी बताएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके बाद नीचे अलाउंसेस का कॉलम, एग्जेम्प्ट अलाउंस को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी अलाउंस है यहाँ पर आपको उसका डिस्क्रिप्शन दे देना है और यहाँ पर अमाउंट। इसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स, ये फिगर्स भी आपको फॉर्म 16 से ही मिल जाती हैं। तो फॉर्म 16 का पार्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आता है टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के कॉलम में आपको सिलेक्ट करना है कि आपने रेंट कर दिया हुआ है या सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है या डीम्ड लेट आउट है। इसके बाद अगर आपको रेंट रिसीव हो रहा है तो आप ग्रॉस रेंट की फिगर यहाँ पर शो कर सकते हैं, और अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी पर लोन चल रहा है तो आप बैंक से सर्टिफिकेट ले लीजिए, लोन सर्टिफिकेट, उसमें आपको अपना प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों मिल जाएगा, वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल,
इंटरेस्ट की फिगर यहाँ पर एंटर करते हैं, जो भी आप ईएमआई का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। इंटरेस्ट फिगर का आपको रिडक्शन मिल जाता है, लेकिन आपको यहाँ पर फिगर नेगेटिव में दिखाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही ऑटो कैलकुलेट होता है। अगर आप यहाँ पर 50,000 एंटर कर देते हैं तो आपकी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी ऑलरेडी यहाँ पर 50,000 नेगेटिव फिगर आ चुकी है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है, और अगर आप लगाना भी चाहेंगे तो वो लगेगा नहीं। इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ जाता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अगर आपकी छोटी मोटी कहीं से कोई इनकम हो रही है, अगर आप सैलरी के अलावा कहीं पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं और वहाँ से आपको थोड़ी बहुत इनकम हो रही है और आप उसे शो करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं एनी अदर को और उसे आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फैमिली पेंशन, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट को शो किया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं पार्ट सी में, डिडक्शंस एंड टैक्सेबल टोटल इनकम, जहां पर की चेंज किया गया है। अब यहां पर ऊपर आपसे पूछेगा वेदर यू हैव मेड एनी इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट पेमेंट्स बिटवीन 1/4/2020 टू 30/6/2020 फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग एनी डिडक्शन अंडर पार्ट बी ऑफ चैप्टर 6A। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से डेट एक्सटेंड कर दी गई थी फाइनेंशियल ईयर 18-19 और असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए। लास्ट डेट जो कि थी 31 मार्च 2020 उसे एक्सटेंड कर दिया गया था 30 जून 2020 तक, और साथ ही जो इन्वेस्टमेंट करने की डेट होती है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी डेट 31 मार्च 2020 लास्ट डेट होती है, उसे भी एक्सटेंड कर दिया गया था 30 जून 2020 तक। तो ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने अप्रैल से लेकर जून के बीच में कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं जो आप इस वाले ईयर में क्लेम करना चाहते हैं। क्योंकि जनरली फ्रेंड्स, जब हम 31 मार्च के बाद कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हमारे इस वाले साल के लिए रेलेवेंट नहीं होता है, वो हमारे अगले साल के लिए रेलेवेंट होता है और अगले साल में हम उसे क्लेम करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक सुविधा दी गई थी कि अगर आप अप्रैल से जून के बीच में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इसी असेसमेंट ईयर 2021 के लिए रेलेवेंट होगा। तो अगर आपने इस तरह के कोई इन्वेस्टमेंट किए हैं जो आप इस साल में क्लेम करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं येस या नो। और अगर आप येस सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर लिखा है इफ़ येस प्लीज़ फिल शेड्यूल DI। मतलब अगर आप इस साल में डिडक्शंस क्लेम करना चाहते हैं जो आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं अप्रैल से जून के बीच में, तो आपको शेड्यूल DI फिलअप करना होगा। चलिए देखते हैं कि शेड्यूल DI क्या कहता है। अब हमने यहाँ पर कुछ फिगर्स फिलअप कर ली हैं जिससे कि आपको रिडक्शन सही से दिखा सके। तो हमने यहाँ पर 80C में 150,000 का डिडक्शन यहाँ फिलअप कर लिया है। शेड्यूल DI पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपको दो कॉलम्स मिलेंगे। एक में कह रहा है एलिजिबल अमाउंट ऑफ डिडक्शन ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 19-20 एज पर पार्ट सी। यहाँ पर आपकी फिगर ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी, जो आपने अपने अभी मेन फॉर्म में 150,000 की फिगर वहाँ पर एंटर की थी वो यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। और उसके बाद जो सेकेंड कॉलम है, यहाँ पर लिखा है डिडक्शन एट्रीब्यूटेबल टू इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर मेड बिटवीन 1/4/2020 टू 30/6/2020। तो यहाँ पर आपको कौन सी फिगर देनी है, यहाँ पर आपको इस 1.5 लाख में से जितना भी अमाउंट आपने अप्रैल से जून के बीच में इन्वेस्ट किया है उस अमाउंट की फिगर यहाँ पर देनी होगी। अगर मान लेते हैं कि मार्च तक आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और अप्रैल से जून के बीच में आपने 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, तो यहाँ पर आपको 50,000 रुपए की फिगर देनी होगी जो कि आपने अप्रैल से जून के बीच में इन्वेस्ट की थी। टोटल फिगर आपकी 1,50,000 है जो कि आपने यहाँ पर शो कर दी है। तो इस तरह से आपको एट्रीब्यूशन करना है कि कितना अमाउंट आपका टोटल है और उसमें से कितना अमाउंट आपका अप्रैल से जून के बीच का है। तो ये हमने आपको 80C का करके दिखा दिया। इसी तरह से आपको बाकी सारे सेक्शंस में भी फिगर्स डिवाइड करके दिखानी होंगी अगर आपने और किसी सेक्शन के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है अप्रैल से जून के बीच में। वापस चलते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स पर। अब यहाँ पर नीचे आपको टोटल डिडक्शंस में 150,000 की फिगर शो हो रही है और यहाँ पर टोटल इनकम आ गई है 550,000 रुपए की। टैक्स यहाँ पर ऑटो कैलकुलेट हो जाता है। 550,000 रुपए की इनकम पर कोई भी रिबेट नहीं है, इसलिए यहाँ पर जीरो शो हो रहा है। अगर ये इनकम हमारी 500,000 रुपए के अंदर की होती तो यहाँ पर हमें रिबेट मिल जाता 12,500 रुपए का, और ये हमारी टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ गई है। फिर टैक्स की डिटेल्स आ जाती है जो कि आपके फॉर्म 26AS से यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। एक बार चेक कर लीजिएगा फॉर्म 26AS को डाउनलोड करके।
इसके बाद टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन का कॉलम आता है, यहाँ पर आपका टोटल TDS शो हो रहा है, और जो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आपको अपने सारे बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी है, आपके इंडिया में जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उन सब की डिटेल्स आपको देनी होगी, तो सभी के IFSC कोड और अकाउंट नंबर अपने पास रखिएगा जिससे कि आप यहाँ पर फिलअप कर सकें। इसके बाद नीचे वेरिफिकेशन, काफ़ी सारे चेंजेस हैं, अगर कोई पॉइंट आपको क्लियर ना हुआ हो तो हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पर जल्दी ही आपको इसकी लाइव फाइलिंग का वीडियो भी मिल जाएगा। अगर आप खुद से फाइल करना चाहते हैं तो बहुत ही आप हमारे वीडियो को रेफ़र करके खुद अपने ITR की फाइलिंग कर सकते हैं, और यदि आप कोई एक्सपर्ट एडवाइस चाहते हैं या आप खुद से फाइल नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दूसरों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।